हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। सो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमजी हेक्टर एंड किया सेल्टोस का कंपैरिजन, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आप डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है टू परचेज। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे एक शॉर्ट कंपैरिजन के बारे में, यानी हम शॉर्ट कंपैरिजन करेंगे और बात करेंगे कुछ टॉप एस्पेक्ट्स के बारे में। सो मेक श्योर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर ले एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। अगर आपके कोई भी डाउट्स है और कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू विच कार टू परचेज, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइस बात करते हैं फर्स्ट एस्पेक्ट के बारे में, विच इज एक्सटीरियर डिजाइन। MG Hector की लेंथ है 4.6 मीटर, जो कि सिर्फ 100 mm कम है फॉर्च्यूनर से, यानी कि काफ़ी बिग साइज की SUV है। एंड Kia Seltos की लेंथ है 4.3 मीटर्स। अब फ्रंट MG Hector में आपको मिलती है हनीकॉम ग्रिल, Kia Seltos में दी गई है टाइगर नोज ग्रिल। दोनों में ही 17 इंचज के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो Kia Seltos के हैं वो थोड़े बेटर लगते हैं, एज इन काफ़ी प्रोपोर्शनेट लगते हैं। MG Hector में 17 इंचज के अलॉय व्हील्स थोड़े ज़्यादा छोटे लगेंगे। एंड दोनों में ही फुल LED सेटअप मिलते हैं, यानी LED हेड लैम्प, LED फॉग लैम्प, LED टेल लैम्प। एंड Kia Seltos में LED सेटअप में आइस इफेक्ट भी दिया गया, विच लुक्स स्लाइटली बेटर। एंड इसी के साथ अगर एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात करें तो इट इज़ ऑन योर प्रेफरेंस, बट आई प्रेफर Kia Seltos, यानी Kia Seltos का डिज़ाइन थोड़ा बहुत ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू MG Hector। सो गाइज बात करें सेकेंड एस्पेक्ट की, विच इज स्पेस एंड कम्फर्ट। सो MG Hector में आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस एंड कम्फर्ट मिलता है। इट इज़ अ वेरी स्पेशियस कैबिन, बिकॉज अगर हम कंपेयर करें Seltos विद Hector, तो यहाँ पे लेंथ भी ज़्यादा है, हाइट भी ज़्यादा है, व्हील बेस भी ज़्यादा आपको मिलेगा एंड विड्थ भी ज़्यादा मिलेगी। सो MG Hector ऑफर्स वेरी स्पेशियस कैबिन। एंड जो सीट से कम्फर्ट के बारे में बात करें तो सिर्फ आपको 19-20 का फर्क मिलेगा, 19 इज Seltos एंड 20 इज MG Hector। सो गाइज अब बात करते हैं थर्ड एस्पेक्ट के बारे में, विच इज इंटीरियर एंड फिट एंड फिनिश क्वालिटी। MG Hector और Kia Seltos दोनों ही काफी प्रीमियम मटेरियल्स ऑफर करते हैं। यहाँ पे लेदर सीट अपॉजिटरी मिलेगी, लेदर फिनिशिंग आपको डोर पैड्स पर भी मिलती है एंड फ्रंट डैशबोर्ड पर भी मिलती है। देर आर सिल्वर एसेंट्स ऑल्सो, लेकिन जो Kia Seltos का इंटीरियर है दैट इज मच बेटर देन MG Hector। सो गाइज नेक्स्ट बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में, विच व्हीकल ऑफर्स बेस्ट सेफ्टी फीचर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों व्हीकल में क्या क्या कॉमन सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल हैं। तो दोनों में ही दिया गया है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक वाइपर, 6 एयरबैग, चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट, हिल लॉन्च असिस्ट एंड फॉलो मी होम लैम्प फंक्शन। अब बात करते हैं यूनिक सेफ्टी फीचर की, यानी कि जो Seltos में अवेलेबल है Hector में अवेलेबल नहीं है एंड वाइस वर्सा। तो सबसे पहले यहाँ पे MG Hector में हमें मिलते हैं हीटेड ORVM एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, जो कि Seltos में अवेलेबल नहीं है, और Seltos में आपको मिलेगा ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। सो गाइज दोनों ही गाड़ियां नेक टू नेक आपको सेफ्टी फीचर्स ऑफर करती है, बट इट इज MG Hector विच इज स्लाइटली बेटर। सो गाइज अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में, कौन सी SUV आपको ज्यादा फीचर्स ऑफर कर रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉमन फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे दोनों ही MG Hector और Kia Seltos में अवेलेबल हैं 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स, रियर सीट रिक्लाइनेबल, इंजन पुश स्टार्ट बटन विद स्मार्ट कीलेस एंट्री, लेदर सीट अपॉल्स्ट्री, LED हेड लैम्प, LED टेल लैम्प एंड LED फॉग लैम्प। एंड यहाँ पे आपको Kia Seltos में आइस इफेक्ट भी मिलता है। एंड इसी के साथ दोनों ही कनेक्टेड कार है, दैट मीन्स वी गेट कनेक्टेड फीचर्स। 60:40 स्प्लिट सीट का फंक्शन अवेलेबल है, रियर 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट, रियर AC वेंट्स, कूल ग्लव बॉक्स, फ्रंट एंड रियर आर्म रेस्ट। एंड इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे दोनों ही व्हीकल्स ऑफर करती है 8 स्पीकर्स, whereas MG Hector में अवेलेबल है इन्फिनिटी का सिस्टम, एंड Kia Seltos ऑफर करती है क्लास लीडिंग Bose का सिस्टम विच साउंड्स वेरी वेरी गुड एंड इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड अब बात करते हैं यूनिक फीचर्स के बारे में, यानी कि जो MG Hector में अवेलेबल है Seltos में अवेलेबल नहीं है एंड वाइस वर्सा। सो गाइज MG Hector में ड्राइवर साइड सीट 6-way पावर एडजस्टेबल है एंड को ड्राइवर साइड सीट 4-way पावर एडजस्टेबल है। Seltos में आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड सीट 8-way पावर एडजस्टेबल, विच इज मोर देन MG Hector, लेकिन यहाँ पे को ड्राइवर साइड सीट पावर एडजस्टेबल नहीं मिलेगी। साथ में MG Hector ऑफर करती है पैनोरामिक सनरूफ, विच इज नॉट अवेलेबल इन Seltos। Seltos में आपको नॉर्मल सनरूफ ही मिलेगी। एंड यहाँ पे MG Hector में पावर टेलगेट अवेलेबल है
एंड वी गेट 10.4 इंचेस पोर्ट्रेट इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें आपको इवन एसी के कंट्रोल्स भी मिलते हैं। और इसी के साथ बात करें सेल्टोस के बारे में तो यहाँ पे 8 इंचेस का हेड्स अप डिस्प्ले अवेलेबल है। वी गेट यूवी कट ग्लासेस एंड वायरलेस चार्जिंग, रियर मैनुअल सनशेड, स्मार्ट एयर प्यूरिफायर, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स। एंड इसी के साथ दोस्तों सेल्टोस में आपको मिलता है 10.25 इंचेस का हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेकिन यहाँ पे एसी कंट्रोल्स आपको नहीं मिलेंगे लाइक एमजी हेक्टर। सो गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, विच इज इंजन ऑप्शन। कौन सी गाड़ी आपको वैरायटी ऑफ इंजन ऑप्शंस ऑफर करती है एंड ट्रांसमिशन ऑफर करती है। सो सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल इंजन के बारे में। सो सेल्टोस में ऑफर करे गए हैं 2 पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर पेट्रोल विद 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड सीवीटी गियर बॉक्स, एंड 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन विद 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड डीसीटी गियर बॉक्स। वेयर एज हेक्टर में आपको सिर्फ सिंगल पेट्रोल इंजन मिलेगा विद 6 स्पीड मैनुअल एंड डीसीटी गियर बॉक्स। सो बात करते हैं डीजल इंजन के बारे में। सो सेल्टोस में अवेलेबल है 1.5 लीटर डीजल इंजन विद 6 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, एंड हेक्टर में आपको मिलेगा 2 लीटर डीजल इंजन विद ओनली 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। हेक्टर में ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अवेलेबल नहीं है। एंड गाइज इसके बाद जो सबसे बिग कंपैरिजन पॉइंट आता है वो ये है कि एमजी हेक्टर में आपको मिलते हैं BS4 इंजन, वेयर एज किया सेल्टोस में मिलेंगे BS6 इंजन। एंड BS6 इंजन में आपको मिलेगी लो एमिशन एंड दे विल बी हाईली एफिशिएंट, इसी के साथ दे विल ऑल्सो हैव अ हाई रीसेल वैल्यू। ऑल्दो एमजी हेक्टर में अर्ली 2020 में BS6 कंप्लायंट इंजन लॉन्च कर दिए जाएंगे। एंड गाइज नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पे बूट स्पेस यानी कि लगेज एरिया के बारे में। तो MG Hector में अवेलेबल है 587 लीटर्स ऑफ मैसिव कार्गो एरिया। तो अगर आप रेगुलरली ट्रेवल करते हैं तो यू विल लव द बूट स्पेस इन MG Hector, वेयर एज Kia Seltos में अवेलेबल है 433 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। एंड नेक्स्ट अब दोस्तों बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो दोनों ही व्हीकल बहुत ही सॉलिडली बिल्ट अप है एंड अभी तक यहाँ पे कोई भी ऑफिशियली इसकी टेस्टिंग नहीं करी गई, यानी कि एनकैप टेस्ट अभी तक नहीं हुआ, सो वी कैन नॉट कमेंट ऑन बिल्ड क्वालिटी। सो गाइज अब बात करते हैं परफॉर्मेंस एंड रिफाइनमेंट के बारे में। तो यहाँ पे जो MG Hector के इंजन है पेट्रोल एंड डीजल दोनों ही, दे आर मच मोर पावरफुल देन Kia Seltos। अब बात करेंगे राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी के बारे में। तो MG Hector की जो राइड एंड हैंडलिंग दी गई है दैट इज ऑन अ सॉफ्टर साइड विच इज बेस्ट सुटेबल फॉर सिटी पर्पस। अगर बात करें Kia Seltos के बारे में तो वी हैवंट टेस्टेड ऑफिशियली, तो जैसे हम ऑफिशियली टेस्ट करेंगे वी विल शेयर द रिजल्ट विद यू। सो गाइज अब बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो MG Hector में अवेलेबल है 10.4 इंचेस का वर्टिकल इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेयर एज Kia Seltos ऑफर करती है 10.25 इंचेस का हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो नई म्यूजिक सिस्टम फुली लोडेड आपको मिलते हैं, यानी कि विद एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, मिरर लिंक, नेविगेशन एंड वॉइस कमांड। लेकिन जो यहाँ पे Kia Seltos का सिस्टम दिया गया है दैट इज मच मोर रिस्पॉन्सिव। सो गाइज अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो MG Hector एंड Kia Seltos की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों ही बहुत बढ़िया है, लेकिन जो MG Hector का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो डे लाइट में यानी कि डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ा कम विजिबल रहता है कंपेयर टू Kia Seltos। एंड Kia Seltos में आपको थोड़ा अच्छा एंड सिंपल UI मिलेगा, यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाइज Kia Seltos इज स्लाइटली बेटर। सो गाइज अब बात करते हैं प्राइस एंड वैल्यू फॉर मनी व्हीकल के बारे में, यानी कि Kia Seltos और MG Hector में से कौन सी वैल्यू फॉर मनी है। तो यहाँ पे MG Hector का जो प्राइस है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है एंड इट इज़ ऑफर्ड एट अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस टैग। जिस हिसाब से यहाँ पे फीचर्स ऑफर करे जा रहे हैं इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, एंड Kia Seltos का अभी तक अनाउंस नहीं हुआ सो वी कैनॉट कमेंट ऑन दैट। लेकिन MG Hector बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस टैग के साथ अवेलेबल है एंड इट विल बी ग्रेट टू सी द Kia Seltos प्राइसिंग। एंड नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों यहाँ पे आता है माइलेज का, यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी का। तो MG Hector में जो इंजन है दे आर वेरी पावरफुल, सो वहाँ पे आपको जो माइलेज है काफ़ी कम मिलती है, एंड Kia Seltos में आपको काफ़ी अच्छे पावर भी मिलती है और माइलेज भी मिलती है, यानी कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन Kia Seltos ऑफर करती है बिटवीन माइलेज एंड परफॉर्मेंस। सो गाइज अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में। MG Hector एंड Kia Seltos में से आपके लिए कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेटर है और आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कॉमन एस्पेक्ट्स आते हैं वो ये है कि सेफ्टी फीचर्स दोनों में ही सेम है, एंड बिल्ड क्वालिटी, राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी, वारंटी एंड प्राइस एंड वैल्यू फॉर मनी के बारे में अभी हम कमेंट नहीं कर सकते। इसी के साथ जो MG Hector है
वो आपको बेटर स्पेस एंड कंफर्ट ऑफर करेगी, इट हैज़ बेटर बूट स्पेस एंड बेटर परफॉर्मेंस एज वेल। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स ये तीन हैं तो आप MG Hector परचेज करें। अगर आपकी रिक्वायरमेंट अदर है, जैसे कि Kia Seltos के बारे में बात करें, तो ये थोड़े प्रीमियम एक्सटीरियर ऑफर करती है। इट हैज़ लग्जूरियस इंटीरियर्स, मच मोर फीचर्स एंड वेराइटी ऑफ इंजन ऑप्शन अवेलेबल हैं यहाँ पे। साथ में जो म्यूजिक सिस्टम है दैट इज़ ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिव। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एंड यहाँ पे Kia Seltos में माइलेज भी एक्स्ट्रा मिलती है एंड ऑल द इंजन अवेलेबल इन Seltos आर BS6। तो अगर आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट है तो आप Kia Seltos को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट कंपैरिजन, यानी कि 15-point कंपैरिजन ऑफ Kia Seltos एंड MG Hector। एंड इसी के साथ अगर आपको ऐसे ही किसी और गाड़ी का कंपैरिजन चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड ऐसे ही बहुत सारे कंपैरिजन इस चैनल पे आने वाले हैं, सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले एंड अभी के अभी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।